नमस्कार, मैं हूं विष्णु। आज की इतिहास में आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं द चेतक न्यूज। तो आइए जान लेते हैं आज के इतिहास के पन्नों में क्या है खास। भारत और विश्व के बीच कुछ ऐसी ऐतिहासिक घटनाएं हैं जो आज भी इतिहास के पन्नों में जिक्र किया गया है। और प्रत्येक दिन विश्व में कुछ ना कुछ ऐसी घटनाएं होती है जो इतिहास के पन्नों में शामिल हो जाता है। जैसे खेल जगत की कुछ ऐसी घटनाएं, कुछ ऐतिहासिक व्यक्ति के जन्म दिवस के बारे में। तो आइए जान लेते हैं आज के ही दिन कुछ ऐतिहासिक बातें। और आज के ही दिन 1996 में संयुक्त राज्य अमेरिका ने पाकिस्तान को ब्राउन संशोधन के अंतर्गत हथियार भेजने प्रारंभ किए। और आज के ही दिन 1999 में मेकरी मोरिटा पपुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री नियुक्त हुई थी। और बात करें 2003 की, तो रूस की एलेना इसिन बाइबा ने महिला पोल वाल्ट में नया विश्व रिकॉर्ड बनाया था। और 2007 में फिलिस्तीन के प्रधानमंत्री सलफ फयाद ने अपने पद से इस्तीफा दिया था। और 2008 में नेपाल के कार्यकारी सांसद ने प्रधानमंत्री को निर्वाचन वाले संविधान संशोधन विधेयक को मंजूरी दी थी। और 2008 में ही वेनेजुएला की डायना मेंडोजा ने मिस यूनिवर्स का खिताब जीता था। और विश्व का सबसे बुजुर्ग इंटरनेट ब्लॉगर के रूप में चर्चित ऑस्ट्रेलिया महिला का निधन हुआ था। और आज के दिन 1929 में भारतीय जनता पार्टी के राजनीति तथा मध्य प्रदेश के भूतपूर्व मुख्यमंत्री कैलाश चंद्र जोशी जी का जन्म हुआ था। और आज के ही दिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के राजनीति शंकर राव चौहान का जन्म हुआ था। और आज के ही दिन 1856 में प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता गोपाल गणेश आगरकर का जन्म हुआ था। और आज के ही दिन 1982 में हिंदी फिल्मों के एक प्रसिद्ध 1950, 1960, 1970 के दशक के बॉलीवुड फिल्म संगीत निर्देशक मदन मोहन जी का निधन हुआ था। और आज के ही दिन प्रसिद्ध हिंदी फिल्म अभिनेत्री लीला चिटनिस का 2003 में निधन हुआ था। और आज के ही दिन 1896 में हिंदी साहित्य के इतिहास से जुड़े सुप्रसिद्ध साहित्यकार राजा लक्ष्मण सिंह का निधन हुआ था।